आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रविंद्र जडेजा क्रिकेट में सबसे व्यस्तम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। फील्ड पर रहते हुए वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या फिर बैटिंग। हर जगह रविंद्र जडेजा फील्ड पर रहते समय व्यस्त रहते हैं। सबसे अच्छे और फिट खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। आईपीएल सीजन 14 में रविंद्र जडेजा का जलवा अलग ही दिखाई दे रहा है। रविंद्र जडेजा ने आईपीएल के इस सीजन के 19वें मैच में हर्षल पटेल के एक ही ओवर में धाकड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने चेन्नई की पारी के अंतिम ओवर में 37 रन जड़े, जिसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल था। इसके साथ ही वह आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। गेल और जडेजा संयुक्त रूप से इस स्थान पर काबिज हो गए हैं। गेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए कोच्चि टस्कर्स केरला के खिलाफ खेलते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया था। उनके खिलाफ प्रशांत परमेश्वरन गेंदबाजी कर रहे थे और यह मैच 2011 के आईपीएल में खेला गया था। रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के अंतिम ओवर में हर्षल पटेल को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी छक्का आया। तीसरी गेंद पर छक्का मिलने के बाद जडेजा को अगली गेंद नो बॉल के कारण फ्री हिट मिली और इसे भी उन्होंने 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर डबल लेने के बाद अगली दो गेंदों पर उन्होंने छक्का और चौका जड़ते हुए अंतिम ओवर में 37 रन बटोरे और इसके साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी की। गेल ने भी परमेश्वरन के ओवर में एक नो बॉल सहित कुल 7 गेंदें खेली थी और 4 छक्कों के अलावा 3 चौके भी जड़े थे। जडेजा की तूफानी बैटिंग की बदौलत ही चेन्नई ने 191 रन का शानदार स्कोर आरसीबी के खिलाफ रखा है। उन्होंने अपनी पारी में कुल 28 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के और 4 चौकों की सहायता से नाबाद 62 रन की पारी खेली। 20वें ओवर में उनकी तूफानी पारी से स्कोर अचानक बदल गया और चेन्नई ने एक बड़ा स्कोर आरसीबी को दिया। आईपीएल से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।